नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है इन्फॉर्म एशन। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए, क्योंकि दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ अडल्ट वेबसाइट्स पे जाने के 5 ऐसे खतरनाक नुकसान जो आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इस लाल बटन पर क्लिक करके मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको हर तरह की टेक से जुड़ी न्यूज़ और भी इन्फॉर्मेशन आपको देता रहूँगा। तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ आपको 5 ऐसे खतरनाक प्रॉब्लम्स जो आपको कभी भी फेस करनी पड़ अगर आप अडल्ट वेबसाइट्स पे विज़िट करते हैं। तो दोस्तों, सबको पता है अडल्ट वेबसाइट्स का भी एक एडिक्शन है जो काफ़ी लोगों को होती है, लोग उस पर जाके अडल्ट मूवीज़ वगैरह देखते हैं। तो दोस्तों, ये काफ़ी पॉपुलर है आजकल इंटरनेट पे, बहुत सारे लोग सिर्फ इसी काम के लिए इंटरनेट को यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, पहली प्रॉब्लम जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको क्या हो सकती है अडल्ट वेबसाइट पे जाने की, वो है दोस्तों यूज़र ट्रैकिंग एंड प्रोफाइल्स। दोस्तों, यूज़र ट्रैकिंग एंड प्रोफाइल्स क्या है? मुझे पता है आपको ये शब्द समझना काफ़ी मुश्किल हो सकता है, पर मैं आपको समझाऊंगा। दोस्तों, यूज़र ट्रैकिंग और प्रोफाइल्स क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जब भी हम इंटरनेट पे कुछ भी सर्च करते हैं, किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन हम जो सर्च करते हैं, किसी भी तरीके की एक्टिविटीज़ जो करते हैं, काफ़ी सारी ऐसी एजेंसीज होती हैं जो हमारी सर्च को ट्रैक करती हैं, जिनसे वो हमें क्या करते हैं, वो अपने एडवर्टाइजमेंट्स के लिए रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। जैसे हम मान लो, अगर हम इंटरनेट पे बार बार सर्च करते हैं फ़ोन्स के बारे में, सैमसंग के फ़ोन्स के बारे में सर्च करते हैं, तो दोस्तों वो क्या करती हैं एजेंसीज, हमसे हमारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करती रहती है कि इस उसको पता चल जाता है कि इस बंदे को सैमसंग के फ़ोन्स में इंटरेस्ट है, और वो हमें फिर वैसी ही एड्स दिखाएगी जैसे सैमसंग के फ़ोन के रिलेटेड या और भी स्मार्टफोन्स के रिलेटेड। तो दोस्तों भला आप सोच रहे होंगे कि इससे हमें क्या नुकसान हो सकता है। दोस्तों, मान लीजिए आप अपना फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, आपके आसपास आपके छोटे भाई बहन बैठे हैं या आपके पेरेंट्स बैठे हैं, तो दोस्तों उसी टाइम आपको क्या होता है, स्क्रीन पे एक ऐसी ऐड आती है जो अडल्ट वेबसाइट्स के रिलेटेड है। तो दोस्तों सोचिए कैसा रिएक्शन होगा आपके आसपास जो बैठे हैं, आपको ये बात अच्छी लगेगी? आपको ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। तो दोस्तों, वो एजेंसीज़ क्या करती हैं, हमारी इन्फॉर्मेशन को ट्रैक करती हैं और हमें फिर उसी रिलेटेड एड्स देती हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरी प्रॉब्लम की। दोस्तों, दूसरी प्रॉब्लम है डाटा लीक्स। दोस्तों, ये डाटा लीक्स से क्या करती है कि आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री वगैरह को रख लेती है अपने पास, या फिर आप कहाँ कहाँ गए हो, आपने क्या क्या देखा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन को अपने पास रख लेती है और फिर आपको बाद में ब्लैकमेल कर सकती है। तो दोस्तों, ये बहुत ही खतरनाक होगा अगर आपको कोई ब्लैकमेल करता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस आ चुके हैं जिसमें काफ़ी लोग सुसाइड कर लेते हैं या फिर काफ़ी लोग काफ़ी सारे पैसे वेस्ट कर देते हैं क्योंकि उन्हें दूसरे लोग ब्लैकमेल कर रहे होते हैं। तो दोस्तों, अब तीसरी प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, तीसरी प्रॉब्लम है स्कैम्स एंड फ्रॉड्स। दोस्तों, स्कैम और फ्रॉड्स बहुत ही फेमस चीज़ है इंटरनेट पे। दोस्तों, आजकल काफ़ी सारे लोग इनके शिकार हो चुके हैं, स्कैम और फ्रॉड के। दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जब भी आप किसी अडल्ट वेबसाइट पे जाते हो तो कुछ ऐसी वीडियोस आपको ऐसे तरीके से दिखाते हैं जिसको आप देखने की आपकी इच्छा होती है तो आप पर उसको देख नहीं पाते, वो पहले आपसे कुछ रजिस्ट्रेशन मांगते हैं और रजिस्ट्रेशन फ़ीस बिल्कुल कम होती है, जैसे $0.01। तो दोस्तों, इससे आप क्या कर लेते हैं कि अपने क्रेडिट कार्ड से वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं और आप सोचते हैं कि आपको 1-2-3 रुपये का वो चार्जेस पड़ रहे हैं तो आप उसको पे कर देते हैं। दोस्तों, लेकिन उससे होता क्या है कि वो आपके कार्ड की इन्फॉर्मेशन डिटेल्स सारी सेव कर लेते हैं और फिर हर महीने आपके कार्ड से या हर हफ्ते आपके कार्ड से कुछ ना कुछ बैलेंस कटता रहता है और फिर आप उसको बंद कैसे कराएं आपको ये समझ नहीं आती और ना आप किसी को बता पाते हैं कि आपके बैलेंस क्यों कट रहे हैं। तो दोस्तों, चलिए अब चौथी प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं, वो है मालवेयर। मालवेयर दोस्तों एक बहुत ही बड़ी टर्म है इंटरनेट से रिलेटेड, पर दोस्तों मैं आपको सिर्फ एक वर्ड में बताऊंगा जिसको सुनते हैं आप समझ जाएंगे, वो है वायरस। दोस्तों, जैसे ही आप अडल्ट वेबसाइट्स वगैरह पर जाते हो तो आपको काफ़ी सारी ऐसी छोटी छोटी ऐप्स वगैरह दिखती रहती हैं या एड्स वगैरह दिखती रहती हैं जिनको आप जब क्लिक करते हो तो आपका फ़ोन एकदम से वाइब्रेट करने लगता है, या फिर आपको कोई ऐसी एड्स ही डाउनलोड करने के लिए आ जाती है जिसमें लिखा होता है कि आप अपने फ़ोन में ये डाउनलोड करो नहीं तो आपके फ़ोन करप्ट हो जाएगा या आपकी फाइल्स डिलीट हो जाएंगी। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसी फाइल्स आ जाती है हमारे फ़ोन में जो हमारे सिस्टम में घुस जाती है, जो हमारे फ़ोन की वाइब्रेटर तक को छेड़ देती है। तो आपने काफ़ी बार फेस किया होगा कि आपका फ़ोन वाइब्रेट करने लगता है, पर दोस्तों अगर हम इसको कंप्यूटर में कर रहे हैं सर्च तो कंप्यूटर में क्या होता है कि ऐसी कुछ फाइल्स हमारे सिस्टम में आ जाती हैं जो कि हमारी बाकी फाइल्स को करप्ट करती रहती हैं या डिलीट करती रहती हैं या फिर उनको लेके किसी और पर्सन को सेंड करती रहती हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है ये भी। तो दोस्तों, चलिए अब पाँचवीं प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं, वो है लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। दोस्तों, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है?
लीगल कॉन्सिक्वेंसेस का सिंपल मतलब है कि अगर आप अडल्ट वेबसाइट्स पे जा रहे हो, बार बार अगर आप कोई ऐसी चीज़ें सर्च कर रहे हो जो हमारी कंट्री अलाउ नहीं करती या फिर बैन है, तो तब भी आपके ऊपर केस हो सकता है। तो दोस्तों प्लीज़ हमेशा सेफ़ रहिए इंटरनेट पे। अगर आप अडल्ट वेबसाइट्स पे विज़िट करते हैं तो आप कर सकते हैं, पर आप काफ़ी ध्यान रखिए, काफ़ी सिक्योरिटीज़ के साथ कीजिए। तो दोस्तों बस मुझे आशा है आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत मदद करेगी। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और अगर आपने सच में मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू दोस्तों।